अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। घबराने की कोई जरूरत नहीं है अर्नब जी, पापा जी अब ठीक है। आज अगर पापा को कुछ हो जाता ना पल्लवी, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। जिस पिता का आप जैसा बेटा हो, उसके साथ कुछ गलत कभी कैसे हो सकता है? एक बात कहें आपसे, आज तक हमने आपकी आंखों में पापा जी के लिए सिर्फ और सिर्फ गुस्सा देखा था, लेकिन आज जब ये आंसू देखकर हमारी नजरों में आपकी इज्जत दुगनी हो गई है अर्नब जी, I am so proud of you। प्राउड होता है पल्लवी जी। वही आइए बैठिए। ये लीजिए। आज से पहले ना पल्लवी, मैं जानता ही नहीं था कि मेरे दिल में पापा के लिए नाराजगी के अलावा, नापसंदगी के अलावा कुछ और भी है। लेकिन आज जब उन्हें उन्हें वो खो देने का ख्याल मेरे दिल में आया ना, तो मुझे पता चला कि मैं उनसे प्यार भी करता हूँ। सारी नाराजगी से बढ़कर, सारी नापसंदगी से बढ़कर मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। और अगर आज तुम नहीं होती ना, तो शायद मैं उन्हें ये सब बताए बिना ही आज उन्हें खो देता। अब आप अपने आंसू पोछिए और खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप अपने पापा को भी बता पाएंगे कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। ऑफिस से कॉल है, भूल ही गया था मैं तो। हेलो हेलो मिस्टर अर्नब, ये कॉल आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए किया गया है कि अगले 20 मिनट में आपकी वाइफ को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। व्हाट, सिर्फ 20 मिनट में? क्या आप कुछ? हेलो जी, हम पहुंच जाएंगे। ओके पल्लवी, क्या किया तुमने? इतने स्ट्रेस में इंटरव्यू दोगी कैसे? हम खुद को संभाल लेंगे। लेकिन पल्लवी, अर्नब जी, आज जब हम दुकान में बंद थे ना, तो हमें लगा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर आप आ गए। कल जब हम पानी में थे तब हम उम्मीद छोड़ने ही वाले थे, लेकिन फिर आप आ गए। शायद यही भगवान जी का इशारा है कि अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो हर मुश्किल से जीत जाएंगे। प्लीज चलिए ना अर्नब जी, अब एक बार कोशिश करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ नेगेटिव होने के बाद भी तुम ऐसे इतना पॉजिटिव कैसे रह सकती हो। मुझे तुमसे प्यार तो हो ही चुका था, लेकिन अब हर पल ना मैं तुम्हारे प्यार में डूबता ही जा रहा हूँ। I love you more and more and more। अब चलिए। ये शर्मा रही है या जान के मुझे तड़पा रही है? सिर्फ 3 वर्ड ही तुम्हें से बोले क्यों नहीं जा रहे हैं? सॉरी सर, वो एक्चुअली हमारे घर पे कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी, तो सीधा वहीं से आ रहे हैं। आइए बैठिए। सिट डाउन। वेलकम एवरीवन, ये एक ग्रुप इंटरव्यू है। जैसे ग्रुप डिस्कस होता है, बिल्कुल वैसे ही आप सभी से एक साथ सवाल किया जाएगा और आपके सामने यही डिसाइड हो जाएगा कि आप इस जॉब के काबिल हैं या नहीं। ध्यान से देखिए इस कपड़े को और बताइए अगर इसमें कुछ कमी है तो क्या है।
अगर ये खास है तो क्यों खास है? आपसे शुरू करते हैं। Well, first of all, this garment is nicely hand stitched, but a machine could have been better. The branding, not up to the mark. मिसेस पल्लवी, बताइए इन कपड़ों में क्या खास है? भोले बाबा की जय। This cloth is sorry Arnab ji, लेकिन शायद हम ये नहीं कर पाएंगे। Sorry sir, but मैं कुछ कहना चाहता हूँ। Like all of you, मेरा भी अभी तक यही मानना था कि हर चमकती हुई चीज हीरा होती है, लेकिन फिर मुझे किसी ने एहसास दिलाया कि हर चमकती हुई चीज जरूरी नहीं है कि हीरा होती है, वो शीशा भी हो सकती है। और जो हीरा है वो एक ऐसी चीज है जो आपको कोयले की खदान में भी मिल सकता है। आई एम सो सॉरी सर, मैंने उस दिन आपको इम्प्रेस करने के लिए बोल दिया था कि मेरी वाइफ को इंग्लिश बोलना लिखना और पढ़ना आता है, बल्कि ऐसा सच नहीं है। पल्लवी इंग्लिश नहीं बोल सकती थी, लेकिन स्पेशली उसने इस इंटरव्यू के लिए कुछ ही दिन पहले इंग्लिश बोलना सीखा है। बस इसी वजह से वो थोड़ा सा घबरा रही है, बट ट्रस्ट मी सर, शी इज द बेस्ट। अब वो आपको प्रूफ करके दिखाएगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए सर। पल्लवी, बी कंफर्टेबल। पल्लवी, शिवा ने तुम्हें सिखाया इंग्लिश बोलना, तो अभी तुम सिर्फ ये सोचो कि तुम यहाँ पे क्लास में शिवा के साथ हो और वो तुम्हारा कोई इम्तिहान ले रहा है। I know you can do it. This cloth color will bleed. This cloth embroidery is asymmetrical. Thread are rough. Rough soap, it will give rashes to the skin. That is all from my side. Thank you very much. Hey Baba Bholenath, लगता है कुछ गलती हो गई है। कैसा था? कुछ वर्ड्स को छोड़ के बाकी सब सही था, परफेक्ट था। I'm so proud of you. Well done, Mrs. Shastri. Well done. आज आपने साबित कर दिया कि ज्ञान किसी डिग्री का मोहताज नहीं होता, अगर उसे कोई दिल से चाहे
तो कहीं भी प्राप्त कर सकता है अपने लगन से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। वी डिड इट पल्लवी, हमने कर दिखाया। हाँ अर्णव जी, हमने कर दिखाया। पल्लवी पल्लवी पल्लवी, I'm so happy finally मैं अपने सपने पूरे कर पाऊंगा, फाइनली मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊंगा। अर्णव जी, आपने जो सपना देखा है उसे तो पूरा होना ही था, लेकिन हमारा तो वो सपना पूरा हुआ है जिसे हमने देखने की कभी हिम्मत भी नहीं की थी। अर्णव जी, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम नौकरी कर पाएंगे, लेकिन ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू अर्णव जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। अर्णव जी, हमारी वो सिंदूर की डिब्बी जो पंडित जी ने हमें दी थी। ओह नो, वो तो शायद मंदिर में ही रह गई। क्या अर्णव जी, गौरी माँ का सिंदूर था वो। सॉरी सॉरी, पता नहीं कैसे, तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं लेके आता हूँ। यूं गया और यूं आया। गाड़ी स्टार्ट हो गई है सासुमा, अब देखिएगा सीधा जाकर यमराज के दरवाजे पर ही रुकेगी। जीते रहिए दामाद जी, दादाओं खेले हैं। हाँ थैंक यू सासू माँ। कैसा दाव? बताइए बबली देवी जी, कैसा था? अब किसके खिलाफ आप नई साजिश रचने जा रही हैं? शिभा बताइए। देखो आप ऐसा कछु ना ही किए हैं। आपने हमारी माँ को चोट पहुँचाई है, हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे बबली देवी। शिभा, जान ले लेंगे हम तुम्हारी, जवा लग जाएगी, उनको छोड़ दो ना यार। अभी ख्याल नहीं आया कि हमारी माँ को दूर करने से पहले आज इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शिवा छोड़ दो ना यार, शिवा यहाँ आए तो कार में कौन है? ये सिर्फ इस जन्म की नहीं, हर जन्म की बात है। हम सिर्फ और सिर्फ आपको चाहेंगे। क्यों नहीं लग रहा? लगता है ब्रेक फेल हो गई है। क्या कर रहे हैं आप, पागल हो गए हैं? हाँ हम पागल हो गए हैं, और आप भी पागल हो जाती अगर आपकी जिंदगी का इतना बड़ा सच अचानक से ही आपके सामने आ जाता। अगर आपको ये पता चलता कि जिंदगी भर खुद को अनाथ मानने वाला शिवा अनाथ नहीं है। सुहासिनी हमारी माँ है,
और हमारे पिता है पुरुषोत्तम शास्त्री, पुरुषोत्तम शास्त्री, पुरुषोत्तम शास्त्री। क्या और ये सच्चाई बबली देवी जानती थी, लेकिन फिर भी सच को हमसे पूरी दुनिया से छिपा कर रखा, हमें हमारे ही घर में नौकर बना कर रखा, हमारे बाप को हमारे सामने होते हुए भी हमसे दूर रखा, और आज हमारी माँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है सिर्फ इनकी वजह से। अर्णव जी, पल्लवी, इस तरह अर्णव जी की तस्वीर टूटना, हे भोले बाबा, हमारे अर्णव जी का ख्याल रखिएगा, उनका साथ मत छोड़िएगा। हमें जवाब चाहिए अम्मा जी, हमें जवाब चाहिए अम्मा जी। क्यों इतना बड़ा सच हमसे छुपा कर रहा? सच हमारे सामने ना आ जाए इसकी वजह से आपने हमारी दाई माँ को धक्का दे दिया। उनकी जान लेने की कोशिश की आपने। सच नहीं है शिवाई, झूठा इल्जाम लगा रहे हो तुम हम पे। अरे हमारी माँ, हम तो ये भी नहीं जानते कि क्या क्या हुआ होगा उनके साथ, क्या क्या तकलीफें झेली होगी उन्होंने, क्या क्या परेशानी आई होगी उस बेचारी के ऊपर। वो बेचारी नहीं है, नहीं है वो बेचारी, और ना ही वो श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी की पत्नी है। उनकी पत्नी हम हैं हम, और ये सब जाने के बावजूद कि श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री शादीशुदा है, वो उनके जीवन में आई, उनको अपने प्रेम जाल में फंसाया, इतने बड़े पाप की सजा उनको मिलनी चाहिए। नहीं अम्मा जी, खबरदार जो एक भी शब्द तुम्हारी माँ के खिलाफ बोला था। कहेंगे हम, जरूर कहेंगे, कहे कि जो बात हम कर रहे ना वो बिल्कुल सच है, और सच बोलने से ना तुम हमका रोक सकते हो ना तुम्हारा बाप। एक पत्नी के रहते उसके पति के जीवन में कौन दूसरी औरत आए, और वो दूसरी औरत उसके बच्चे की अम्मा बने, तो ये पत्नी पे कहाँ गुजरता है, कौन बनता ही समझ पाएगा। हाँ, हमने तुमका तुम्हारी अम्मा से दूर किया, उनका एहसान मानो सिवा, नहीं तो इस समाज जो है ना तुमका हराम की औलाद कहलाता। हम कहलाते, हम हराम की औलाद कहलाते, लेकिन जो भी था वो हमारी माँ हमारे बीच होता,
अब क्यों आई हमारे बीच? किसने हक दिया आपको? आपके एक फैसले ने हमें अनाथ बना दिया। जिंदगी भर के लिए हमें हमारे माँ और बाप से दूर कर दिया। क्यों? क्यों अम्मा जी क्यों? कितनी बार बोले तुम्हें शिवा, कितनी बार बोले? हमारे पास और कौन दूसरा रास्ता नहीं था। क्या हो रहा है? अब देखिए सासू माँ ने मेरी कदर न जानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।